पटना की सबसे अधिक व्यस्त सड़कों में एक अशोक राजपथ पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य दिसंबर में शुरू हो जाएगा। जी हां, शहरवासियों को इस सड़क के निर्माण हो जाने के बाद तंग ट्रैफिकों से छुटकारा मिल जाएगा। डबल डेकर एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए मिट्टी जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है, पाइलिंग का काम अभी किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुल निर्माण निगम के अधिकारियों की मानी तो दिसंबर से ही निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान अशोक राजपथ के ट्रैफिक को वन वे किए जाने की बात भी सामने आ रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक को वन वे करने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए महिला और पुरुष जवानों की तैनाती होगी। बता दें कि कारगिल चौक से NIT तक इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। इसका शिलान्यास बीते 4 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। अगले 3 साल यानी 2024 तक इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से पटना में लोगों को काफी राहत मिलेगी। मरीजों को PMC या जाने के दौरान जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। डबल डेकर एलिवेटेड रोड के बनने से PMCH पहुंचने का रास्ता भी सुगम होगा। PMCH में मल्टीपल पार्किंग बनाई जाएगी। इस पार्किंग को अशोक राजपथ में बनाने वाले डबल डेकर एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा। पहले मंजिले की पार्किंग को NIT मोड़ वाले रास्ते से जोड़ा जाएगा। इस रास्ते से आने वाली गाड़ियां इसी रूट से अस्पताल आना जाना करेगी, तो वही दूसरी मंजिले को पार्किंग से गांधी मैदान जाने वाली गाड़ियां आना जाना कर सकेंगी। अशोक राजपथ पर बन रहे डबल डेकर एलिवेटेड रोड का लोकनायक गंगा पथ से भी जोड़ा जाएगा। गांधी मैदान से पटना सिटी के बीच आना जाना इस रोड से बेहद आसान हो जाएगा। गांधी मैदान से अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड सड़क से कृष्णा घाट होते हुए लोकनायक गंगा पथ से लोग पटना सिटी तक जा सकेंगे। अभी लोगों को पटना सिटी जाने या पटना सिटी से गांधी मैदान तक आने के लिए घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर और गंगा एक्सप्रेसवे एक अन्य मेगा प्रोजेक्ट को कृष्णा घाट के जरिए से जोड़ा जाएगा। इस फ्लाईओवर का रैम्प बनाकर कृष्णा घाट के पास और दूसरा पटना साइंस कॉलेज के पास बनाकर कनेक्टिविटी दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि पटना साइंस कॉलेज से कारगिल चौक तक की लंबाई 1.45 किमी और टियर कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर की होगी, तो वहीं मल्टी लेवल कार पार्किंग लूप की लंबाई 145 मीटर की होगी। तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब पटना में ट्रैफिकों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग आसानी से आ जा सकते हैं। मरीजों को अस्पताल तक जाने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी।